नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अति कुपोषित बच्चों में सुधार हेतु स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक पद्धति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद बदायूं दत्तागंज तहसील के ब्लॉक समरेर में स्वर्ण प्रश्न कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दत्तागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने किया और बताया कि उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के समरेर में पहला कार्यक्रम आयोजन किया गया है। स्वर्ण प्राशन कार्य योजना के अंतर्गत अति कुपोषित बच्चों को सुधार हेतु दो दो बूंद दवाई पिलाकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दत्तागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने शुभारंभ किया। वहीं बदायूं डीएम दीपा रंजन ने बताया कि इस दवाई से अति कुपोषित बच्चों में काफ़ी सुधार होगा। ये दवाई महीने में एक बार और 6 महीनों तक डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क पिलाई जाएगी। वहीं बीसी सखी बैंकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दो दो साड़ी पर वितरित की गई। कार्यक्रम में विभा वर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी समरी, डॉक्टर राघवेंद्र मोहन आदि मौजूद रहे। बदायूं संवाददाता डॉक्टर प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। और जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में, जिले को एक अच्छी कानून व्यवस्था देने में सक्षम हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्वरूप और बहुत ही युवा और बहुत तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जिन्होंने यहाँ भी रहे अपना एक अलग छाप छोड़ने का काम किया है। कि सी डी ओ साहब, हमारे बी डी साहब, डी पी ओ साहब, उपस्थित पीलीभीत से आए हुए सभी डॉक्टर साहेबान, चावर और बैजनाथ कंपनी के कार्यक्रम है। इसके लिए भी मैं डीएम साहब को, सीजो साहब को बधाई देता हूँ। इन्होंने दत्तागंज विधानसभा की इस ब्लॉक में, पिछली ब्लॉक में हमारे क्षेत्र में जो बच्चे कुपोषित होकर अपने जीवन में काफ़ी परेशान होते रहते हैं, उनके लिए ऐसा एक कार्यक्रम चलाने का काम किया है। पूर्णतया आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित है, हमारी प्राचीन संस्कृति पर आधारित है और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कि आपको फायदा ही पहुंचाने का काम करेगा। वैसे हमारी सरकार अन्य कई बार आप लोगों का कह चुके हैं कि आप लोगों के बारे में, कि आप लोगों ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में देश को, प्रदेश को उड़ाने का काम किया, बचाने का काम किया, अपनी जान जोखिम में डालकर इस उत्तर प्रदेश और देश के रहने वालों का जीवन सुरक्षित करने का काम किया है। तो मैं आप सबका बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।